उिल्लाजीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तिस सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रियल स्टाइकोमीट्री केमिकल इंजीनियरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि हमने कोई सी दो वैल्यूज के अंदर अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना हो तो हम फिर उसकी प्रोसेसिंग भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट करेंगे तो हमने आ, इस तरह की सूरत हाल में हमेशा इस सीरीज़ की लास्ट वैल्यूज़ के पास आ जाना है और इसकी लास्ट वैल्यू है थ्री अंडर रूट टू बटा टू और वो हमने इसलिए आना है क्योंकि इस वैल्यू के बारे में हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन भी है और वो क्या है वो ये है कि हम अगर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो ये हमारे पास सिक्स टर्म की वैल्यू है और अगर हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशंस हों एक टर्म का पता हो और एक उसकी वैल्यू का पता हो तो फिर हम ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और हमने यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना है और इस तरह के सवालात हम टू पॉइंट वन में भी कर चुके हैं और एक देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे और एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन कौ, फोर की है कि सेवनटीन टर्म हमने मालूम करनी थी और उसमें फ़ोर्थ टर्म की वैल्यू थी फाइव और इसके अलावा कॉमन डिफरेंस भी था तो हमने ए वन मालूम करनी थी और इसके अलावा हमने सेवनटींथ टर्म भी मालूम करनी थी तो असल बात यहां पे है फोर्थ टर्म इज फाइव तो अब हमारे पास यही सिचुएशन बन चुकी है कि सिक्स टर्म इज़ दैट तो अब हम इसका मतलब है कि इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं जी अब हमें ये जो ये जो एन है ये ब्रैकेट के अंदर ये हमारा होता है नंबर ऑफ़ टर्म और नंबर ऑफ़ टर्म हमारा क्या है सिक्स तो हम यहाँ पे सिक्स पुट करेंगे और जो ए एन है इसकी वैल्यू हमारे पास थ्री अंडर टू बट्टा टू है तो हम देखते हैं मजीद आगे चलते हैं तो ये फार्मूला एक दफा मैंने यहाँ भी पेस्ट कर दिया आपको इस नज़र आता रहे और इसके अलावा इसमें जो फर्स्ट टर्म है यानी इस सवाल में जो अंडर रूट टू बट्टा टू है ये इस ए की जगह आएगा और इस तरह हम अपना सवाल जारी रखते हैं और ए सिक्स मैंने बताया कि ये वैल्यू हो गई और इस पे हमने लगाया यही फार्मूला तो एन की जगह क्योंकि सिक्स है सिक्स नेगेटिव वन फाइव डी हो गया और ए की जगह पे हमने अंडर रूड टू बटा टू जो कि इसमें अवेलेबल है वो हमने डाला और ए एन की जगह पे हमने थ्री अंडर रूड टू बटा टू तो यहां पे हमने ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी इसी फार्मूले के मुताबिक और अब हमने इनको डील करना है इस तरह करना है कि हम डी की वैल्यू मालूम कर सकें कैसे करेंगे कॉन्स्टेंट को एक तरफ भेज दें जब इसको उस तरफ भेजेंगे तो कोर्स नेगेटिव आएगा और फिर सिवाय लेने के कोई हमारे पास सोलूशन नहीं है वो हमें टू देगा और इस तरह टू और टू आपस में कैंसल हो जाएंगे और डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू बटा फाइव क्योंकि हमें ये फाइव जो है दोनों तरफ डिवाइड करना है तो यहां से खत्म हो जाएगा तो अब हम डी की वैल्यू मालूम कर चुके हैं और यही हमने जो है यहाँ तक फाइंड करनी थी अब हमने जो है जो इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट हुई हुई हैं ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर इनको हमने फाइंड करना है कैसे करेंगे आपको पता है कि जब हमने डिफरेंस को ऐड करके अगली वैल्यू को लेना हो तो हम हमेशा इस सीरीज़ की जो पहली हमारे पास वैल्यू होती है उसके अंदर डिफरेंस को ऐड करते हैं और अगर हम अंडर रूट टू बट टू के अंदर डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें ए वन मिलेगी और अगर हम ए टू हासिल करना चाहें तो हम इस ए वन के अंदर फिर डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम टू डी करके हम दोबारा इस फर्स्ट टर्म के पास आएंगे और इसमें ऐड करेंगे और जब हमें ए टू मिल जाएगी तो फिर भी हम डिफरेंस को इसमें ऐड करके ए थ्री हासिल नहीं करेंगे बल्कि थ्री डी यानी डिफरेंस की अमाउंट बढ़ा के दोबारा इसके अंदर फर्स्ट टर्म को ऐड करके हम अगली वैल्यू हासिल करेंगे तो यहाँ पे यही काम हुआ हुआ है अगर हमने ए टू हासिल करनी है ए वन तो हमारे पास है तो ए टू हासिल करनी है तो फर्स्ट टर्म प्लस डी तो ये हमारे पास इस तरह इनकी वैल्यूज पुट करने से ए वन आएगी यहाँ पे जस्ट इनको सिंपलीफाई किया है और जो अंडर रूड है वो कॉमन आ गया और पाँच और दो मिल के साथ उन्होंने बना लिया और इसी तरह अब हमने ए थ्री हासिल करनी है उसकी थर्ड वैल्यू हासिल करनी है थर्ड टर्म हासिल करनी है तो हम उसके अंदर डिफरेंस को बढ़ा देंगे लेकिन ए वन को हम चेंज नहीं करेंगे यानी ए वन में हम डिफरेंस को नहीं करेंगे बल्कि दोबारा फर्स्ट टर्म के पास आएंगे और उसमें दो डिफरेंस एड कर देंगे तो हम ए टू की जो है वो वैल्यू हासिल कर पाएंगे जो कि बाय नंबर तीसरे नंबर पे है तो इसी तरह आ, अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है अब इसमें हम डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे बल्कि डिफरेंस को बढ़ा के दोबारा फर्स्ट टर्म के पास आएंगे और इसमें हम मज़ीद इसको सिम्प्लीफाई करेंगे यकीन आप सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानते होंगे तो हमारे पास जब इसका रिजल्ट आएगा फोर्थ टर्म का तो हम इसमें डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे हम दोबारा ए की तरफ आएंगे और उसमें एक डिफरेंस और ऐड करके हम हम अपनी वैल्यू हासिल करेंगे तो डिफरेंस की तादाद को हम बढ़ा सकते हैं लेकिन ए वन को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना तो यहां पे हमने ए वन ए टू ए थ्री ए फोर की वैल्यू हासिल करनी थी जो कि हमने हासिल कर ली हैं और जो हमारा आंसर होगा उसमें हम एक कंप्लीट सीरीज लिख सकते हैं तो यही हमारा आंसर था